दोस्तों, गर्मियाँ आते ही कुछ ठंडा पीने का दिल हर किसी का चाहता है। फिर चाहे वो जूसेस हों, मशरूबात हों या फिर ठंडा पानी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम बना रहे हैं रोज़ मिल्क की रेसिपी, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और ख़ूबसूरत सा इसका कलर आता है, लेकिन पीने में उससे भी ज़्यादा खुश जायका और लजीज है। दिखने में ही इसका कलर बे इंतहा खूबसूरत मालूम होता है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो भी बेहद फ़ायदेमंद हैं। तो रोज़ मिल्क को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दोस्तों, तो सबसे पहले हमें चाहिए दुख मलंगा, जो कि बहुत इजीली मिल जाता है। देन हमने साबूदाना को भिगो लिया है, बॉईल कर लिया है। हमें चाहिए होगा रोज़ सिरप कुछ चम्मच, और हमें बर्फ़ भी चाहिए होगी, जो कि आइस क्यूब या छोटे छोटे पीसेस में आप बना सकते हैं। साथ में हमें चाहिए होगा फुल क्रीम मिल्क, जो कि आप अकॉर्डिंग टू नीड 1 गिलास या 2 गिलास रख सकते हैं। इसके अलावा हमें रोज़ मिल्क सिरप भी चाहिए होगा, जो कि हमने हाफ गिलास ले लिया है। अब इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है एक जगह पर मिक्स। तो उसके लिए दोस्तों, अब हम ले लेते हैं एक बाउल, और बाउल में सबसे पहले हम जो ऐड करेंगे वो है तुख मलंगा। दोस्तों, तुख मलंगा की तासीर बहुत ठंडी मानी जाती है और ये जिस्म में बे इंतहा फ़ायदेमंद है। इसको गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने इसको भिगो लिया है तकरीबन 1 कप। अब आपने इसको एक बाउल में ले लेना है। उसके बाद हमने साबूदाना को बॉईल कर लिया था, वो भी हमने एक बाउल ले लिया है। छोटा सा बाउल की कटोरी ले लें आप या हाफ कप। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें किसी भी तरह का शुगर ऐड नहीं किया है। दोस्तों, अब हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो है फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क को ऐड करने के लिए भी हमने इसको बाउल में रख लिया है, और फुल क्रीम के बाद जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है रोज़ मिल्क सिरप। तो दोस्तों, फुल क्रीम मिल्क को ऐड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे इस स्टेज पर रोज़ मिल्क सिरप, जो कि हमने हाफ गिलास रख लिया था। अगर आपको इसका कलर हल्का लगता है या लाइट फील होता है तो आप इसमें रोज़ मिल्क रोज़ सिरप भी मिला सकते हैं, या आप जामी शीरी या रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा रेड सिरप या शरबत आप इस्तेमाल कर लें जिससे कि आपके रोज़ मिल्क का कलर बहुत अच्छा सा हो जाए। तो अब इसमें हमने रोज़ मिल्क सिरप का हाफ गिलास जो था वो भी ऐड कर लिया, फुल क्रीम मिल्क भी ऐड कर लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में इसमें आइस क्यूब या बर्फ़ के टुकड़े भी ऐड कर देंगे। ये सब करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बने और ये सब यकजान हो जाए। तो दोस्तों, अब हमें ले लेना है एक गिलास ले लेने हैं जिसमें आपको सर्व करना है। सर्विंग के लिए हम लेंगे गिलास, और उसमें हम फर्दर कुछ आइस ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो शरबत है वो एक अच्छा सा जो ड्रिंक है और चिल हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करते जाएंगे जो हमने रोज़ मिल्क बनाया है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। फर्दर आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गुलाब की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी खूबसूरत है, और डेकोरेशन के लिए आप इसमें अगेन रेड सिरप ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत भला लगता है दिखने में। तो दोस्तों, ज़रूर बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा सा हम बनाएं। थैंक यू।